गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के पोएम 8 के बारे में, जिसका टाइटल है माई हेवन, मेरा स्वर्ग, जिसे लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रस्तुत कविता भगवान से प्रार्थना है। इस प्रेरणादायक कविता में हम कवि का भारत तथा उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम देखते हैं। तो आइए इसको पोयम के माध्यम से समझते हैं। कवि कल्पना करते हुए भगवान से कहते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हे ईश्वर मेरे स्वप्नों का भारत इस प्रकार का हो जहां लोग भयमुक्त हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां लोग भय मुक्त हो, एंड हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सिर ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान का कोई प्रतिबंध न हो, जहां पे ज्ञान स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पे संसार न टूटा हो या न विभक्त हो। अप इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब टुकड़ों में, बाई नैरो, मतलब संकरी या तंग, डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब घरेलू दीवारों से। घरेलू दीवारें का मतलब यही है कि लोग जाति धर्म तथा भाषा के कारण भिन्न भिन्न वर्गों में न बटे हों। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, अर्थात लोग सत्य बोलते हों। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ पे tireless मतलब बिना थके हुए, striving मतलब लोग प्रयास करते हो, stretch मतलब फैलाते हो, its arm मतलब अपनी भुजाओं को, towards मतलब तरफ, perfection मतलब पूर्णता, अर्थात जहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति के लिए लगातार लोग प्रयास करते हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पे तर्क की स्वच्छ धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने मार्ग को न खो दे। इनटू द ड्रीडी डिजर्ट सैंड, मतलब नीरस मरुस्थल के बालू में, आप डीड हैबिट मतलब पुरानी आदतों के, अर्थात जहाँ लोग तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़कर पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल की बालू में न खो जाएं, अर्थात जहां लोग पुराने रीति रिवाज के आदि न हो तथा तर्क के आधार पर नवीन विचारों को स्वीकार करने के इच्छुक हो। वेयर द माइंड, जहां पर भगवान की इच्छा के अनुसार मस्तिष्क इज लेड फॉरवर्ड, मतलब आगे लेकर के जाए, By the into ever widening thought, ever widening thought का मतलब हो जाएगा सदैव विकसित विचार, and action मतलब कार्य, जहां मस्तिष्क ईश्वर की प्रेरणा से सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर लेकर के जाए। Into that heaven of freedom, my father, हे मेरे ईश्वर मेरे देश को इस प्रकार की स्वतंत्रता दीजिए। Let my country awake, और मेरे देश को जागृत करिए या मेरे देश को प्रगति दीजिए।